अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास ए मैथ्स एक्सरसाइज 12.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐड दी पॉलिनोमियल्स। यहाँ हर सवाल में दो दो पॉलिनोमियल्स है, इनको ऐड करना पड़ेगा। देखिए पॉलिनोमियल्स ऐड करने में टर्म्स ऐड होते हैं, मतलब टर्म्स जो लाइक टर्म्स है वही लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या है, सपोज ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई, तो लाइक टर्म्स हर वो टर्म्स है जिसके वेरिएबल और वेरिएबल पर पावर सेम है। वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल पर पावर जो भी है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो टू है ना कोएफिशिएंट, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ अगर साइन भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे भी कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है यहाँ वेरिएबल क्या है और उस वेरिएबल पर पावर क्या है। अब ये देखिए, सपोज माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई, तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है। यहाँ जो माइनस फाइव है ना और यहाँ जो टू है ना, वह डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब और एक चीज़ देखिए, सपोज सेवन एक्स की वाई जेड, ये डिफरेंट टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स लाइक्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए एक्स के पावर क्या है, थ्री है, मतलब एक्स क्यूब है ना। और यहाँ देखिए जेड एक वेरिएबल ज़्यादा है, यहाँ इन दोनों में कोई जेड नहीं। तो हम जब दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे, इस वक्त हम फर्स्ट टर्म्स देखेंगे कौन से टर्म्स लाइक है, तो लाइक टर्म्स के साथ एड लेस करेंगे। ठीक है, आप और एक चीज़ देखिए, एड जब करेंगे, जब दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो दो पॉजिटिव टर्म्स जब ऐड करेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट साम जो आएगा ना वही पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जब दोनों टर्म्स नेगेटिव है, जब दोनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव है, तब दोनों नेगेटिव टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो साम जो आएगा ना वही नेगेटिव होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, जब इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, चाहे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो या फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर है तो यहाँ क्या करेगा, देखिए तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ देखिए जो टर्म बड़ी है उससे छोटी टर्म्स को माइनस करेंगे, छोटी बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके बाद यह जो रिजल्ट आएगा ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसके साइन क्या होगा, साइन होगा यह बड़ी टर्म जो है ना उसकी साइन होगा। एक एग्जांपल देखिए, सपोज माइनस फाइव प्लस सेवन, यह देखिए माइनस फाइव जो है ना, फाइव तो छोटा है और सेवन बड़ा है, तो फाइव का साइन नेगेटिव है, तो अब क्या किया जाए, यह सेवन से फाइव माइनस होगा। क्योंकि पहले एक चीज़ देखिए, यह बड़ी नंबर क्या है, सेवन है, और इसके साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। आप देखिए बड़ी नंबर से छोटी नंबर को लेस सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सेवन माइनस फाइव क्या होगा, टू होगा, तो वो टू पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा हो, सपोज फाइव माइनस सेवन, अब देखिए यहाँ बड़ी नंबर जो है ना इसके साइन नेगेटिव है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा ना नेगेटिव ही आएगा। अब देखिए सेवन से फाइव माइनस कीजिए, हमेशा हम बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेवन से फाइव माइनस किया जाए तो टू ही आएगा ना। तो देखिए बड़ी नंबर जो है यहाँ सेवन ना, तो उसके जो साइन है यहाँ वही साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस टू हो रहा है ना। आप फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए दो तरीका है सॉल्व करने में, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या है, यह जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को हमने पहले लिख देंगे, या तो इस एक्सप्रेशन को फास्ट लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद दूसरे को इसके नीचे लिख देंगे, मतलब लाइक टर्म्स के नीचे टर्म्स मिला मिला कर नीचे लिख देंगे, इसके बाद हम ऐड करेंगे। और हॉरिजॉन्टल तरीका में क्या होता है, हम दोनों को ये जो एंड है ना इसके जगह प्लस लिख देते, प्लस साइन लिख देते, और इसके बाद जो लाइक टर्म्स आएगा ना वही जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, तो ये वाला टर्म फास्ट लिखेंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस फाइव, प्लस ये प्लस में दिखाएंगे, ठीक है, और ये सारे पॉइंट ब्रैकेट दे देंगे, एट एक्स क्यूब
माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम इसके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ एक चीज़ देखिए, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है तो हम ब्रैकेट आराम से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ जो भी टर्म है ना, इनके साइन चेंज की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ निगेटिव साइन होता, मतलब माइनस होता, तो ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ यहाँ जितने भी साइंस हैं सबके सब अपोजिट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव है, ब्रैकेट ओपन करने से साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप देखिए, यहाँ हम पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पावर के हिसाब से मतलब जिसके पावर हाईएस्ट है वो फास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए स्क्वायर, यहाँ देखिए क्यूब, तो वो क्यूब वाला टर्म फास्ट लिख देंगे, तो सिक्स एक्स क्यूब। इसके बाद देखिए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए कौन सी टर्म क्यूब वाला है, यही टर्म ना, तो क्यूब वाला ये टर्म और ये टर्म, और यहाँ देखिए स्क्वायर वाला ये टर्म और यही टर्म है ना, यही टर्म। नेक्स्ट ये देखिए लीनियर टर्म, ठीक है, ये लीनियर टर्म और यह ये लीनियर टर्म। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट और यह भी कांस्टेंट, तो हम मिला मिला कर ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ इसके साइन तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर हम ऐड कर रहे हैं ना, तो एट एक्स क्यूब। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, ये तो स्क्वायर वाला ना, यह भी पॉजिटिव में है, थ्री एक्स स्क्वायर। यह स्क्वायर वाला टर्म कौन सी है, यहाँ देखिए, तो ये माइनस है, देखिए तो प्लस माइनस में है ना, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस ऐड कर रहे हैं ना, तो ये निगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो यही हो रहा है माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस यह ब्रैकेट ना देकर भी माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म भी ऐड हो गया। अब देखिए लीनियर टर्म, ये देखिए माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स, यह लीनियर टर्म ये है ना, यह पॉजिटिव में है, तो प्लस फाइव एक्स। यहाँ देखिए माइनस फाइव, अच्छा माइनस फाइव और यहाँ प्लस फाइव, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। आप देखिए सिक्स एक्स क्यूब प्लस एट एक्स क्यूब, मतलब फोर्टीन एक्स क्यूब ना, फोर्टीन एक्स क्यूब। नेक्स्ट देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर जो होगा ना, स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, मतलब कि यहाँ फोर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। मतलब क्या है, आपके हाथ में तीन एक्स स्क्वायर है, लेकिन आपको किसी को, किसी व्यक्ति को फोर एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा, तो आपके हाथ में ऋण ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आपके हाथ में तीन एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो इन तीनों को आप उसको दे दें, तो देने के बाद भी आपका ऋण वन एक्स स्क्वायर बाकी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बड़ी नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, तो फोर से थ्री माइनस कीजिए वन ही रहेगा ना, तो वन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ये दोनों भी ऐड हो गया। अब देखिए माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स, तो फाइव माइनस फोर क्या होगा, वन ही होगा ना, और बड़े वाले का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस एक्स। यहाँ देखिए माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बाकी रहेगा यही, तो यह है आपका आंसर। अब नंबर टू देखते हैं। नंबर टू में देखिए यह है एक टर्म और यह एक टर्म है, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इसी लिख देंगे सेवन ए क्यूब बी माइनस एट स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नाइन ए बी, एन के जगह में हम प्लस लिख देंगे, और यह क्या है वन माइनस सिक्स ए बी। तो यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में ओनली टू टर्म्स हैं और इस एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स है, तो ये जो दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स हम देखेंगे इनमें किन किन टर्म्स के साथ मिल रही है, मतलब इनके लाइक टर्म्स इस एक्सप्रेशन में कौन सी है देखेंगे। तो इज इक्वल टू, देखिए सिक्स ए बी और वन तो कॉन्स्टेंट है, इस एक्सप्रेशन में कोई कॉन्स्टेंट नहीं है ना, तो देखिए यहाँ माइनस सिक्स ए बी, यहाँ प्लस नाइन ए बी ना, ये टर्म और ये टर्म लाइक है, लाइक टर्म है, और ये टर्म, ये दोनों टर्म्स और ये टर्म्स अनलाइक है, तो जैसा है ऐसा ही लिख देंगे सेवन ए क्यूब बी माइनस एट स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नाइन ए बी, और इसके लाइक टर्म तो ये है ना, तो ये नेगेटिव में है, यहाँ भी साइन देखिए पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस सिक्स ए बी। अब देखिए यहाँ प्लस वन बाकी है, वन, ठीक है। आप देखिए सेवन ए क्यूब बी जैसा है वैसा ही लिख देंगे, माइनस एट स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए नाइन जो है ना, नाइन ए बी और सिक्स ए बी। आपके हाथ में नौ
ए बी है, और आपको किसी को देना पड़ेगा छ ए बी, तो हाथ में है 9 AB, देना पड़ेगा 6 AB, तो दीजिए, आपके हाथ में तो ज़्यादा बैलेंस है ना, तो उससे 6 AB दीजिए, फिर आपके हाथ में कितने बचेगा, 3 ही बचेगा ना, तो 9 माइनस 6 क्या होगा, 3 होगा, 3 AB, यानी कि +1, तो +1 ही रहेगा, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप नंबर 3 देखेंगे, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है, इसे हम बांटे के लिए अरेंज करेंगे, बांटे के लिए मतलब एक के नीचे दूसरे ऐसे, तो फर्स्ट इसे लिख देंगे 5 PQ² + 6 PQ - 9 PQ, और इसे इसके नीचे लिखेंगे, तो देखिए टर्म लाइक टर्म मिला मिला के लिखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए 5 PQ², यहाँ PQ² देखिए ये है, यहाँ PQ² तो ये है ना, ये टर्म है, तो ये वाला निगेटिव है, तो -5 PQ², ठीक है, 6 PQ², यहाँ देखिए PQ³ ये वाला टर्म है, तो ये भी निगेटिव है, -6 PQ³, फिर देखिए -9 PQ ना, और यहाँ देखिए +9 PQ ना, +9 PQ, ठीक है, अब इन सब को ऐड करते हैं, यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये सारे एक्सप्रेशन को हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ जो साइन है ना, साइन का कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये सब्ट्रैक्ट करना होता मतलब माइनस करना होता ना, तो यहाँ माइनस साइन लग जाता, और ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है सबके साइंस ऑपोजिट हो जाता। ठीक है, यहाँ देखिए 5 - 5 क्या होते हैं, 5 - 5 0 हो रहा है, या 6 - 6 0, 9 - 9 देखिए 9 - 9 0, तो सब का सब 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 ही निकल आएगा, समझ आया ना, इजी है ना। आप 4 नंबर लिखेंगे, तो फर्स्ट ये लिखेंगे 3 - ABC + ABC², तो इसको हम अगर चाहे बांटे के लिए लिख सकते, तो -2 ABC², तो देखिए यहाँ ABC² और यहाँ देखिए ABC², तो ये दोनों टर्म लाइक है, तो इसके नीचे इसको लिखेंगे, तो यहाँ माइनस है ना, -2 ABC², ABC², यहाँ देखिए ABC² मतलब 1 ABC², ठीक है, अच्छा ABC, ये जो ABC टर्म है, यहाँ ABC देखिए यहाँ है, तो ये पॉजिटिव में है, तो इसके नीचे इसको लिख देंगे ABC, ABC, ये 1 ABC है, ये भी 1 ABC है, आप दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 के नीचे कुछ तो नहीं ना, तो हम ऐड कर रहे हैं, तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 0 लगा सकते हैं या प्लस साइन से, और 0 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 1 ABC - 1 ABC क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है ना, 0, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, ये 1 ABC आपके हाथ में सिर्फ 1 ABC है, और आपके ऋण है 2 ABC, किसी से आपने 2 ABC उधार लिया, तो इनको देना पड़ेगा भाई 2 ABC, तो आपके हाथ में 1 ABC है, तो जो है वो दीजिए, वो 1 ABC देने के बाद भी 1 ABC ऋण रहेगा भाई, रह जाएगा, तो -ABC होगा, तो इसका आंसर है -ABC, और ये C² है, ये भी C². अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे टर्म्स फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसा ही यहाँ भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी टर्म लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को सारे के सारे टर्म्स ब्रैकेट के अंदर पुट किया और यहाँ प्लस मतलब जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए कौन से टर्म लाइक टर्म्स है, तो इज इक्वल टू देखिए XY, ओनली XY, तो यहाँ देखिए ये भी XY, तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो देखिए ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, तो एक काम कीजिए फर्स्ट इस टर्म को लिख दीजिए, तो XY/3 है ना, 3 है, देखिए ये टर्म निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगा देता हूँ, तो ये क्या है 2XY/3, अब देखिए X²Y ना, ये जो टर्म है ये टर्म किसके साथ मिल रही है, X²Y, यह देखिए X²Y इस टर्म के साथ ये टर्म मिल रही है ना, तो देखिए ये वाला पॉजिटिव है ना, तो +3X²Y/4,
और ये देखिए निगेटिव में है, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो ये निगेटिव में है ना तो माइनस होगा, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई बाई फाइव। अब ये बचा ठीक है, ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये पॉजिटिव में देखिए तो प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव, ये देखिए ये भी प्लस में है ना, तो प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव। अब देखिए ये दो टर्म्स, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स ऐड कर लेंगे, तो ये एक्चुअल में क्या है देखिए वन बाई थ्री एक्स वाई, एक्चुअल में ये ऐसा हो रहा है और ये टू बाई थ्री एक्स वाई ऐसा ही हो रहा है ना, तो यहाँ देखिए कोएफिशिएंट वन बाई थ्री और इसके कोएफिशिएंट टू बाई थ्री, तो वन बाई थ्री और टू बाई थ्री इन दोनों को हम देखेंगे ठीक है, कोएफिशिएंट ऐड लेस करेंगे, तो यहाँ निगेटिव साइन है ना तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वन बाई थ्री से अगर टू बाई थ्री सब्ट्रैक्ट किया जाए टू बाई थ्री, तो देखिए क्या रिजल्ट आती है, तो देखिए यहाँ थ्री थ्री ये दोनों थ्री का एलसीएम थ्री है ना, तो यहाँ ऊपर में इसके ऊपर में क्या है न्यूमरेटर में वन और इसके न्यूमरेटर में टू है, बीच में साइन नेगेटिव है टू ठीक है, तो वन माइनस टू माइनस ही वन माइनस वन होगा वन बाई थ्री, तो ये टर्म क्या बन रहा है माइनस वन बाई थ्री एक्स वाई ठीक है, ये ऐसा हो रहा है माइनस वन बाई थ्री एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई ये ऊपर हिस्सा का मतलब न्यूमरेटर का ठीक है, तो माइनस वन इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई होगा ना, तो ऐसा ही हो रहा है ना माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ नीचे थ्री है डिनोमिनेटर में, तो आपका देखिए फाइनल रिजल्ट मतलब ये दोनों टर्म जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा ठीक है, तो इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या है थ्री है ना ठीक है, ये दोनों टर्म तो इकट्ठा हो गया, अब देखिए ये दोनों टर्म ऐड कर लेंगे, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन है ना सब्ट्रैक्शन है, तो इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है थ्री बाई फोर है, थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर वाई ठीक है, यह साइन बीच में माइनस है, यह टू बाई फाइव है ना टू बाई फाइव एक्स स्क्वायर वाई, अब देखिए ये जो फोर और फाइव है ना ये फोर और फाइव का एलसीएम ट्वेंटी होगा, फोर फाइव जै ट्वेंटी, अगर किसी फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है ना दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम निकालना पड़े, तो एक काम कीजिए ऐसा ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, अब ये देखिए इंटू फाइव फिफ्टीन बीच में साइन माइनस है और टू इंटू फोर एट ठीक है, अब देखिए नीचे ट्वेंटी ऊपर में फिफ्टीन माइनस एट क्या हो रहा है सेवन ही हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन पॉजिटिव में मतलब क्या है इन दोनों को जोड़ने से आपको मिलेंगे सेवन बाई ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वाई, मतलब सेवन एक्स स्क्वायर वाई बाई ट्वेंटी ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव में ना तो लिखेंगे प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई बाई नीचे क्या है ट्वेंटी है ठीक है ना, अब इन दोनों को देखेंगे तो यह देखिए फोर बाई फाइव है फ्रैक्शन फोर बाई फाइव, यह प्लस साइन है थ्री बाई फाइव, तो देखिए फाइव और फाइव के एलसीएम तो फाइव ही होगा, ऊपर में ये दोनों ऐड कर लेंगे तो फोर प्लस थ्री क्या रहा है सेवन बाई फाइव ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब है प्लस सेवन बाई फाइव, यह वेरिएबल क्या है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ठीक है ना, अब देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर न्यूमरेटर का और ये सेवन के साथ इंटू है मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेवन एक्स वाई स्क्वायर बाई फाइव ठीक है, सेवन एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव, तो यह रहा आपका फाइनल आंसर, इजी है ना भाई बहुत इजी है। नेक्स्ट फाइव नंबर देखिए सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल को फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल, तो यह फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है ना और सेकंड पॉलिनोमियल ये है, तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट वन को मतलब पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किससे फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल, यह जो सेकंड है ना यह वाला सेकंड है ना यह तो सेकंड पॉलिनोमियल है ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल, दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना तो इसको फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ क्या है माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ठीक है, और ये सारे के सारे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ, और तो ये सारे एक्सप्रेशन को मिला के सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखना जब आप किसी पॉलिनोमियल से एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे को यहाँ माइनस साइन के बाद एक ब्रैकेट लगा देना वरना गलत हो जाएगा,
और आप किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट वन को ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, तो क्या है 6x² प्लस 5x माइनस 1, यह है ना, जितने भी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में सब टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगे। यह अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन मतलब प्लस है, तो ब्रैकेट ओपन करने से यहाँ जो साइन है ना कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ जब माइनस साइन है ना, ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ ब्रैकेट के अंदर जो भी साइंस है ना सब के सब ऑपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये पॉजिटिव ना नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ना नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ना पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब देखिए प्लस माइनस यहाँ प्लस है, अंडरस्टूड मतलब इम्प्लाइड, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6x², फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस 5x, फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट हट गया। आप इसे लिख दीजिए प्लस 7x² प्लस 5x, यहाँ माइनस है ना, माइनस, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया ना, तो इसे लाइक टर्म ढूंढ लीजिए, कौन सी टर्म्स लाइक है, लाइक टर्म्स है, तो देखिए जितने भी लाइक टर्म्स हैं इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 5x और यहाँ देखिए 5x है ना, ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। अच्छा नेक्स्ट देखिए 7x², यहाँ 6x², ये 7x² और ये 6x², ये दोनों लाइक टर्म है। यहाँ देखिए ये जो टर्म है ना कॉन्स्टेंट टर्म, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये दोनों लाइक है। आप देखिए एक काम कीजिए, अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल के जो भी पावर है ना इनके हिसाब से आपको अरेंज करना है, मतलब जिसके पावर हाईएस्ट है फास्ट लिखना, जिसके पावर लोएस्ट है लास्ट में लिखना, ऐसा ही आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो मतलब x² से हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो 7x², यह देखिए माइनस 6x², तो 7x² माइनस 6x², तो 7 से 6 माइनस किया जाए तो 1 ही होगा ना, तो 7x² माइनस 6x² मतलब 1x², तो यहाँ जो 1 है ना इसको ना लिखने से भी चलेगा, ठीक है, तो सिर्फ x² लिखने से ही हो जाएगा, तो इज इक्वल टू देखिए x², ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ये लीनियर टर्म है, माइनस 5x और माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5 माइनस 5, देखिए ये दोनों ऋण है, तो एक दुकान में आपका ऋण 5 रुपीज़ है, दूसरे और एक दुकान में 5 रुपीज़ की ऋण है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 10 रुपीज़ हो जाएगा, और वो 10 रुपीज़ आपको तो दुकान वाले को देना होगा, तो ये तो आपके पास ऋण है भाई, तो ऋण दो ऋण एक साथ किया जाए तो वही ऋण तो रह जाएगा ना, तो माइनस 10 हो रहा है ना, माइनस 10 इसके साथ क्या है, देखिए x है ना, तो माइनस 10x ही होगा, लिख दिया हमने। अब देखिए प्लस 9 प्लस 1, तो देखिए 9 प्लस 1 10 ही होगा ना, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा 10, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट, इजी है ना भाई, बहुत सीजी। अब नंबर 2 को देखेंगे, यह देखिए सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलीनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलीनोमियल, मतलब इससे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको फास्ट लिखेंगे तो 12 माइनस x² माइनस, तो ये एंटायर एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो यह क्या है 6x² 6x² माइनस 15x प्लस 4। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ तो ये जो एक्सप्रेशन होना सेम ही रहेगा, तो 12 माइनस x², ये तो पॉजिटिव ना, प्लस माइनस माइनस 6x², देखिए माइनस माइनस प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 4। अब देखिए जितने भी लाइक टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे, तो देखिए 12 किसके साथ मिल रही है, ये 4 के साथ, ठीक है, x² किसके साथ, ये 6x² के साथ, तो ये जो लीनियर टर्म है ना, यहाँ x के पावर 1 है, इसको लीनियर टर्म कहते हैं ना, तो ये अकेला है, तो देखिए 12 माइनस 4, ये 12 पॉजिटिव में, 12 माइनस 4 क्या हो रहा है, 8 हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8, बाद में और एक लाइन लिख देंगे इसमें, हम इसको ग्रेजुअली अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस x² माइनस 6x² माइनस x² मतलब माइनस 1, यहाँ भी माइनस 6x² मतलब माइनस 6 है, तो माइनस 1 माइनस 6 क्या हो रहा है, माइनस 7 हो रहा है, तो इसका मतलब है माइनस 7x² माइनस 7x². अब देखिए ये तो 15x वैसा ही रहेंगे, प्लस 15x, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे माइनस 7x² प्लस 15x, ठीक है,
और ये पॉजिटिव में है ना, तो +8, तो ये है आपका आंसर। इजी है ना भाई। आप 3 नंबर देखिए, इस एक्सप्रेशन को इससे सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा इससे, तो इसको पहले लिख देंगे ए क्यूब माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये एंटायर एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा दिया, स्क्वायर माइनस 5 ए, तो स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 है ना, प्लस 6 लिख दिया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करूँगा, जो ये जो सारे एक्सप्रेशन वैसा ही लिख देंगे, ए क्यूब माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए, माइनस देखिए ये पॉजिटिव में है तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 ए प्लस माइनस माइनस 6। अब देखिए लाइक टर्म्स, देखिए ये ए क्यूब ओनली वन टर्म्स टर्म है, ठीक है, वो तो अकेला है ना, इसके साथ कोई भी टर्म ऐड नहीं होगा, ठीक है, तो ए क्यूब रह जाएगा, या देखिए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो देखिए माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 4 यह माइनस स्क्वायर मतलब माइनस 1, तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 ही होगा, ठीक है, माइनस 5, और यह साथ में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये माइनस है और ये 5 है, मतलब ये माइनस है मतलब माइनस 1 और यह प्लस 5, देखिए 5 माइनस 1 क्या हो रहा है, 4 ही हो रहा है, 4 ही हो रहा है ना, तो ये 4 तो पॉजिटिव है ना, तो प्लस 4, इसके साथ में क्या है, ए है, तो प्लस 4 है। अब देखिए सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म ही बचा है ना, तो कॉन्स्टेंट टर्म ये है, ठीक है, और ये है, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो यह कॉन्स्टेंट क्या है, प्लस 5 और यहाँ माइनस 6, तो 6 देखिए यह जो बॉडी नंबर है ना वो निगेटिव है और छुट्टी नंबर पॉजिटिव में है, तो इस टाइम में हम क्या करते हैं, बॉडी नंबर से छुट्टी नंबर को माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते और बॉडी नंबर में जो साइन है ना इसको पुट कर देते इसके सामने, तो 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 ही होगा, और इसके साइन माइनस है तो माइनस 1, ठीक है, तो यह देखिए 4a माइनस 1, 4a, तो ये है आपका आंसर। आप 4 नंबर को देखेंगे, तो इसको इससे सब्सक्राइब करना है ना, तो इसको फास्ट लिख लेंगे, 7pq-5pq+9p² माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, देखिए -6pq-6pq+7p² + 7p² + pq, ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7pq-5p² + 9p² देखिए माइनस माइनस प्लस 6pq+-7p² फिर प्लस माइनस माइनस पी क्यू, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म देखेंगे, यह देखिए पी क्यू और यह भी पी क्यू है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 7pq ना और यहाँ पी क्यू मतलब 1pq, तो ये नेगेटिव में है यह पॉजिटिव में है, तो 7 माइनस 1 क्या हो रहा है, 6 ही हो रहा है ना, तो यह होगा 6pq और यह क्यूब में है पी क्यूब, ठीक है, तो यह पी क्यूब और यह देखिए पी क्यूब, ठीक है, तो 5pq और यह 6pq, तो ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, मतलब 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 क्या है, 1 ही है, तो पी क्यूब 1 होगा ना, तो ये तो पॉजिटिव में है, तो +1pq, तो यहाँ 1 ना लिखने से भी चलेगा, तो ओनली पी क्यूब मतलब पी क्यूब, यह भी ऐड हो गया ना, देखिए p² q² यह भी p² q², यह देखिए 9 पॉजिटिव में, तो 9 यहाँ 7p² q² ना, 7 नेगेटिव में, तो 9 माइनस 7 क्या रहा है, 2 हो रहा है ना, वो पॉजिटिव में, तो +2, साथ में क्या है, p² q², ठीक है, तो रीअरेंज कर लेंगे, देखिए p क्यूब +2p² q², और इसे लास्ट में लिख देंगे +6pq, तो ये रहा आपका आंसर। अब लास्ट 5 नंबर देखिए, ये जो टर्म है ना, एक्सप्रेशन है ना, इसको इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इसको फास्ट लिखना होगा ना, तो 3x+2x² + 3x³-4x⁴, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, माइनस ऑफ 1 माइनस x⁴, 1 माइनस x⁴,
आप क्या करेंगे, जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x+2x² + 3x³ - 4x⁴। देखिए ये 1 पॉजिटिव है तो यह एक प्लस साइन अंडरस्टूड है, मतलब उम्मीद है। तो 1 इन प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, -1 माइनस माइनस प्लस x⁴। आप देखिए लाइक टर्म्स कौन सी है, ये x⁴ और यहाँ देखिए x⁴, ये दोनों लाइक टर्म है। यहाँ देखिए -1 कॉन्स्टेंट है और यहाँ तो कोई कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस, ये तो माइनस में है ना, -4 और ये x⁴, मतलब 1x⁴। तो कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो -4 + 1 क्या होगा, -3 होगा, तो -3x⁴। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्यों बोला था हम 3x³ है, इसके लाइक टर्म तो नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे 3x³। अब देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म 2x², तो इसके जैसे और कोई टर्म नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव में वैसा ही लिख देंगे 2x². अब देखिए लीनियर टर्म, ये एक लीनियर टर्म है 3x, तो इसके साथ भी और कोई टर्म नहीं, लीनियर टर्म नहीं, तो वो तो अकेला ही है ना, तो ये पॉजिटिव में है तो +3x, और ये लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म -1, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ दो दो एक्सप्रेशंस है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन लिख लीजिए, ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें ओनली 1 टर्म, यहाँ भी 1 टर्म है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -5x² - 6 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट में हम लिख देंगे, तो -5x² - 2 इंटू, यहाँ देखिए ये नंबर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव जब है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे -6ab, तो इसको ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ आ रही है, एक है मल्टीप्लीकेशन साइन और एक है निगेटिव साइन, तो जब किसी निगेटिव नंबर को देखाते हैं ना मल्टीप्लाइड या तो एडिशन में, तो ये माइनस जो है ना, माइनस वाला निगेटिव जो नंबर है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो आप देखिए हमें एक चीज़ पता है, देखिए प्लस इंटू प्लस, अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाए तो रिजल्ट जो होगा ना, प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, प्लस होगा। सपोज 3 × 5, 3 × 5 = 15, यहाँ 3 भी पॉजिटिव और 5 भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आए ना वो भी पॉजिटिव होगा। अगर दो नेगेटिव नंबर को ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। देखिए दोनों नंबर नेगेटिव है, तो -×- क्या होगा, प्लस ही होगा ना। -5 × -3, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ना, तो 5 × 3 = 15, -×+15। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। अगर किसी दो नंबर्स में से कोई भी एक नेगेटिव है, कोई भी एक नेगेटिव है, सपोज -×+, तो रिजल्ट माइनस ही आएगा। दोनों नंबर में से किसी एक, या तो फर्स्ट या तो सेकंड नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। सपोज -3×5, रिजल्ट आएगा 5 × 3 = 15, यह देखिए पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, या तो 5 × -3, यह देखिए दो साइंस एक साथ आ रही है, माइनस साइन और मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव नंबर, ये जो 3 है ना, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव 3 को ब्रैकेट में रख दिया, तो 5 × 3 = क्या होगा, 15 ही होगा ना, तो ये पॉजिटिव प्लस, इसको प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -15। ठीक है, तो देखिए = देखिए माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस ही होगा ना, तो जबकि यहाँ ओनली 1 टर्म और वही फर्स्ट टर्म है, तो इसको प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए इंटीजर को इंटीजर के साथ इंटू कीजिए, तो देखिए 5 × 6 = 30, तो यह स्क्वायर और यह a^1, यह b^1, तो a² × a क्या होगा, a की भी होगा, क्योंकि अगर दो सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो इनके पावर्स ऐड होते हैं। यहाँ देखिए a² क्या है, 2 है, यहाँ a^1 है, तो 2 + 1 = 3, तो a³ हो रहा है ना। सिमिलरली देखिए b^2 क्या है, 2 है, यह b^1 है, तो 2 + 1 = 3 होगा, तो यह हो जाएगा b³। तो यही है आपका फाइनल आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलती है 30a³b³। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, xyz इंटू, ये देखिए नेगेटिव नंबर ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे -3x³y²z।
अगर आपने इस टर्म को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया तो सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो टर्म है ना, इसके कोएफिशिएंट यहाँ इम्प्लाइड है 1 है, ठीक है, और इसके कोएफिशिएंट तो -3 है ना, तो 3 × 1 = 3 होगा। या देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव या पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है ना। देखिए दोनों में से अगर दो टर्म में से दो नंबर्स में से किसी एक निगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा ना, तो निगेटिव। अब देखिए यहाँ एक्स और यहाँ एक्स क्यूब, तो क्या होगा, x^4 हो जाएगा ना, दोनों पावर्स दोनों के पावर्स एड होगा तो 3 + 1, ठीक है। यहाँ भी y^1, यहाँ y^2 है तो y 2 + 1 = 3 होगा। यहाँ देखिए z भी है तो 1 × 1 तो 1 + 1 = 2, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x y × ये देखिए पॉजिटिव में है ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, x² y² 68। तो देखिए x × x² क्या होगा, x³ ही होगा ना, y × y² y³ होगा, और यह तो z सिंगल है ना, तो z जैसा है वैसा ही लिख देंगे, तो x³ y³ z होगा इसका आंसर। अब 4 नंबर देखिए, यहाँ देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन में मोर देन 1 टर्म्स है, ये जो है ना इसमें 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, twice x², यहाँ ये जो टर्म है ना इसको फास्ट लिख सकते हैं और इसको भी फास्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने इसको फास्ट लिखते हैं, ये जो इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कम है ना, ओनली 2 टर्म्स हैं, तो लिखते हैं 3x - 1 इंटू ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं twice x² - 4x + 1। अब देखिए इन दोनों टर्म्स से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम कीजिए, पहले ये जो 3x है ना इससे इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसे लिखते हैं 3x × ये पूरी एक्सप्रेशन लिख दीजिए, twice x² - 4x + 1, यहाँ -1 है ना तो लिखिए -1, ठीक है, तो फिर से आएगा क्या है, ये सारे टर्म्स आएगा twice x² - 4x + 1। अब देखिए ये 3x है, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 2 क्या आएगा, 6 ही आएगा, x² x³ होगा, देखिए ये पॉजिटिव है प्लस माइनस माइनस, 3 × 4 = 12 x × x² फिर से देखिए 3 × 1 यहाँ देखिए प्लस है, प्लस है प्लस है प्लस होगा, 3 × 1 = 3 × x 3x, यहाँ देखिए ये माइनस में है ना, तो ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, 1 × 2x² 2x² भाई 1 से जो भी नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर होगा, ये तो हमें पता है, तो -1 × देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 × 4x 4x, फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 × 1 1। अब लाइक टर्म्स अगर है तो इकट्ठा कीजिए, तो यह देखिए क्यूब वाला टर्म ओनली 1 टर्म है ना, तो 6x³ देखिए -12x², यह देखिए -2x², तो -12 - 2। अब इस केस में देखिए दोनों नंबर्स निगेटिव है, दोनों नंबर्स क्या है, निगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो -12 - 2 क्या होगा, -14 ही होगा ना, और इसके साथ स्क्वायर है तो -14x², ठीक है। इसके बाद देखिए लीनियर टर्म 3x या 4x, तो इन दोनों पॉजिटिव में है तो 3 + 4 = 7 होगा ना, +7x होगा। अब देखिए कॉन्स्टेंट टर्म ओनली 1 है वो -1, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब 5 नंबर्स देखिए, तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना वो बहुत लंबी है, सेकंड एक्सप्रेशन छोटी मोटी है, ओनली 2 टर्म्स है, तो इसे फास्ट लिख दीजिए 3 - x × अब इसे लिख दीजिए 3x³ - 6x²y + 7xy² + 2, ठीक है। अब ये जो 2 टर्म्स है ना 3 और -x, इनसे इन सब को इंटू कीजिए, तो पहले 3 से कीजिए तो ऐसा होगा 3 × ये पूरी एक्सप्रेशन लिख दीजिए 3x³ - 6x² y + 7xy² + 2 −x - x × फिर से ये पूरी टर्म्स लिख दीजिए एक्सप्रेशन
थ्री एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस सेवन एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अब इंटू कीजिए, देखिए थ्री थ्री जार नाइन इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस थ्री सिक्स जार एटीन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन एक्स वाई स्क्वायर ना एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू थ्री जार सिक्स। आप इस माइनस एक्स से यहाँ जो भी टर्म्स है ना सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये पॉजिटिव में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, थ्री एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स टू दावर फोर है, या देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ एक्स मतलब वन एक्स, तो यहाँ एक वन है ना, तो वन इंटू थ्री थ्री होगा, वन इंटू सिक्स सिक्स ही होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, और वाई तो सिंगल है ना, सिंगल वाई, इसे देखिए प्लस माइनस माइनस वन इंटू सेवन सेवन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस वन इंटू टू टू इंटू एक्स। अब देखिए जितने भी लाइक टर्म्स है ऐड करेंगे, यह हाईएस्ट पावर कितने है, फोर है ना ये, तो देखिए फोर डिग्री ऐसा और की टर्म है कि नहीं, देखिए नहीं ये ओनली वन है ना, तो इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू द पावर फोर, थ्री एक्स टू द पावर फोर। अब देखते हैं कि क्यूब की टर्म कितने हैं, तो देखिए ये है क्यूब की टर्म, देखिए ये भी एक्स पर क्यूब है, पावर थ्री है, लेकिन यहाँ ओनली एक्स क्यूब है और यह इसके साथ वाई भी है, तो ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, मतलब लाइक टर्म नहीं है। इसको हम आप लिखेंगे प्लस नाइन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको लिखेंगे प्लस सिक्स एक्स एक्स क्यूब वाई प्लस सिक्स एक्स क्यूब वाई, ठीक है। इसके बाद इसको देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये माइनस में है ना, तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म, ये टर्म भी आ गए। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर वाई है और ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो इसके बाद इसे लिखेंगे, तो ये देखिए निगेटिव में माइनस एटीन एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये टर्म भी आ गया ना। अब इसको लिखेंगे प्लस ट्वेंटी वन एक्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा, देखिए यहाँ माइनस ट्वाइस एक्स है ना, तो माइनस ट्वाइस एक्स और ये है प्लस सिक्स ना, तो प्लस सिक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट, देखिए सिक्स नंबर, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, यहाँ सिर्फ दो दो टर्म्स है, इनको ऐड करना है, तो इसको पहले लिख देंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप देखिए एक्स से इन दोनों को, फिर वाई से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ माइनस वाई है ना, माइनस वाई इंटू फिर से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्स इंटू एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स टू पावर फोर होगा, माइनस से माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब क्या होगा, एक्स वाई क्यूब होगा, ठीक है। देखिए ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाई होगा ना, देखिए माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई क्यूब, मतलब वाई टू द पावर फोर होगा, ठीक है। आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको इसके आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स टू द पावर फोर इसको पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स क्यूब वाई, यहाँ देखिए माइनस एक्स वाई क्यूब, यह है प्लस वाई टू द पावर फोर। अगर कोई बंदा ऐसा रख दे तो भी चलेगा, ठीक है, सेम करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेवन नंबर, ये देखिए ये थ्री टर्म्स वाला है एक्सप्रेशन और ये दो टर्म्स वाला है, ठीक है। तो इसे फर्स्ट लिख देते हैं ट्वाइस एक्स माइनस सिक्स इंटू, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, तो इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स से इन दोनों को, इस पूरे टर्म्स को, इस पूरे टर्म को, तो ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, फिर से इंटू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, देखो देखिए इसके सामने वन है, ठीक है, तो वन इंटू टू टू है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ठीक है, माइनस टू इंटू सेवन फोर्टीन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू सिक्स ट्वेल्व इंटू एक्स ट्वेल्व एक्स, फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस
प्लस 6 × 7 42 × x 42 x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 × 6 36। अब अगर कोई लाइक टर्म्स है यहाँ तो एडलेस करेंगे तो देखिए 2x³। यस क्यूब वाला टर्म तो ओनली वन है ना, तो 2x³। अब देखिए यह है स्क्वायर टर्म, यह भी है स्क्वायर टर्म, तो माइनस 14 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 20 होगा, तो माइनस 20x², यह देखिए लीनियर टर्म, ये भी लीनियर टर्म, तो 12 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 12 प्लस 42 क्या आएगा, 54 आएगा ना, तो प्लस 54x, ठीक है, और यह तो ओनली कॉन्स्टेंट माइनस 36। यह रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब 8 नंबर देखिए, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स और इस एक्सप्रेशन में भी दो टर्म्स हैं, तो देखिए इसे फास्ट लिखे या इसे फास्ट लिखे कोई फर्क नहीं, सेम रिजल्ट आएगा। तो 3a³ इसे फास्ट लिखता हूँ, माइनस 7 b³ इंटू इसको लिखेंगे 2x² b प्लस ab² ठीक है। तो 3a³ से इन दोनों को, तो 3a³ इंटू 2x² b प्लस ab² इंटू माइनस 7b³ इंटू 2x² b प्लस ab², ठीक है। आप देखिए 3 × 2 = 6, a³ इंटू स्क्वायर a⁵ इंटू b, ठीक है, b तो अकेला है ना, देखिए प्लस यह 1 है, तो 3 × 1 3 है, a³ इंटू a⁴ इंटू b², ठीक है, यह तो पॉजिटिव में है ना, तो प्लस माइनस माइनस 7 × 2 = 14। यह देखिए ए तो नहीं, यह ए है, तो पहले ए को लिखना पड़ेगा, तो a²b³ इंटू b⁴ प्लस माइनस माइनस 7, यह तो 1 है, 1 ए स्क्वायर ना, तो 1 × 7 7 हो रहा है, तो ए तो अकेला है ना, तो ए b³ इंटू b² b⁵ होगा, तो इसको रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रॉपर ऑर्डर में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यह 3 टर्म्स हैं, यह 2 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट इसी लिख देंगे, तो 1 − xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 से, ये तो पॉजिटिव 1 है ना, तो 1 से ये सारे टर्म्स 3 टर्म्स हैं ना यहाँ, इनको मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा ना, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई ही होगा, ठीक है, और माइनस एक्स वाई से फिर ये सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आएगा ना, तो देखिए 1 × x x प्लस 1 × y y माइनस 1 × xy xy, यह देखिए ये पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस x × x x² इंटू वाई वाई, ठीक है, फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस xy इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस x × x x² वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनको रीअरेंज करना पड़ेगा, अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ये फास्ट आएगा, तो यह होगा x² y² नेक्स्ट यह आएगा, देखिए x² 2 है, तो माइनस x² y, इसके बाद यह आएगा माइनस x² y², इसके बाद यह आएगा माइनस xy, इसके बाद यह आएगा प्लस x प्लस y, यह है आपका प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट 10 नंबर, यह देखिए 3 टर्म्स है और यह भी 3 टर्म्स है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो फर्स्ट इसको लिखेंगे y² + 2xy + 3 इंटू y² + 2xy - 3, ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो फर्स्ट y² से इन सब को, तो y² इंटू ये सारे एक्सप्रेशन को लिख देंगे y² + 2y - 3 इंटू प्लस, देखिए प्लस 2y इंटू, फिर इसको लिखेंगे y² + 2y - 3 प्लस 3, फिर ये एंटायर एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा y² + 2y - 3, तो देखिए y² इंटू y²
वाई टू द पावर फोर, पावर तो ऐड होगा ना, बेस सेम है, मतलब यह वाई यह भी वाई, यह देखिए प्लस है टू इंटू, देखिए टू है तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। यह देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस टू इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, फिर से देखिए प्लस 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 होगा, टू टू जर फोर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, टू इंटू थ्री सिक्स, इसके साथ वाई है तो वाई ही रहेगा ना, फिर से देखिए प्लस प्लस प्लस, थ्री वाई स्क्वायर, प्लस है प्लस है, फिर से प्लस, तो थ्री टू जर सिक्स वाई, प्लस माइनस माइनस, थ्री थ्री जर नाइन। अब देखिए यहाँ अगर लाइक टाइम्स मिले तो ऐड कर लेंगे, इसके बाद रिडेंस करेंगे, तो देखिए वाई टू द पावर फोर ये सबसे बड़ा टर्म ना, तो वाई टू द पावर फोर, इसके बाद देखिए क्यूब, क्यूब वाला टर्म ये है ठीक है, तो टू वाई क्यूब प्लस टू वाई क्यूब क्या होगा, प्लस फोर वाई क्यूब होगा ठीक है, ये भी आ गया। अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म, यह स्क्वायर वाला, यह है स्क्वायर वाला, यह भी स्क्वायर वाला ठीक है, तो माइनस थ्री वाई स्क्वायर, देखिए प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा फोर वाई स्क्वायर, तो प्लस फोर वाई स्क्वायर ठीक है। अब देखिए लीनियर टर्म्स, यह माइनस सिक्स वाई, यह प्लस सिक्स वाई, तो देखिए माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई आपस में कैंसिल ठीक है। अब यहाँ क्या रहा, माइनस नाइन रहा, तो माइनस नाइन लिखेंगे, अब हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए सेवन नंबर, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दी मिस्टेक्स। फर्स्ट आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी इक्वेशन करेक्ट है और कौन सी फॉल्स है, इनकरेक्ट है ठीक है। नेक्स्ट देखिए करेक्ट दी मिस्टेक्स, अगर यहाँ कोई इक्वेशन इनकरेक्ट है तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट वन देखते हैं, यहाँ देखिए टू प्लस ए, टू प्लस ए इज इक्वल टू ट्वेंटी सी, ये क्या करेक्ट है, देखिए टू और ए दोनों को प्लस करने से ऐड करने से हमें ट्वेंटी सी मिल रहा है, क्या ये गलत है, ऑफकोर्स ये फॉल्स है, गलत है, एफ एल फॉल्स, क्योंकि टू प्लस ए, देखिए टू एक इंटीजर है और ये जो है ना वो तो वेरिएबल है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी कभी भी एक नहीं हो सकते ठीक है। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा टू प्लस ए, ये टू प्लस ए ही रहेगा, देखिए टू प्लस ए ही रहेगा, यही है करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए टू नंबर, थ्री ए प्लस बी इजिकल टू थ्री ए बी, थ्री ए प्लस बी इजिकल टू थ्री ए बी, देखिए थ्री ए के साथ बी एड किया जाए तो थ्री ए बी हो रहा है, क्या यह गलत है, हाँ ये भी गलत है, तो ये भी लिखेंगे हम फल्स। यहाँ देखिए ए और बी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है ठीक है, अगर दोनों ऐसा होते हैं थ्री ए प्लस ए तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री ए प्लस ए थ्री ए प्लस ए फोर ए, ऐसा ही लिख सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा नहीं, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यही होगा, इनकी ऐड करने से जो सम है ना वो एक ही नंबर नहीं होगा, वैसा ही रह जाएगा, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा थ्री ए प्लस बी, तो यही है करेक्ट फॉर्म ठीक है। अब देखिए थ्री नंबर, यहाँ देखिए फोर ए इंटू थ्री बी इज इक्वल टू ट्वेल्व ए बी, एक चीज़ देखिए लाइक टर्म्स तो एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म एड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन लाइक टर्म हो या अनलाइक टर्म हो इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए फोर थ्री जर ट्वेल्व ए इंटू बी ए बी, तो ये तो ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में है ना, तो हम लिखते हैं ट्रू ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोन नंबर, ए इंटू ए ट्वाइस है, फोन नंबर आंसर, देखिए ए इंटू ए इज इक्वल टू ट्वाइस है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि ए इंटू ए क्या होगा, देखिए यहाँ इंटू है रहा है ना, तो बेस यहाँ ए है, तो यहाँ ए के पावर क्या है, वन है, यह भी ए का पावर वन है, तो हम एक बेस लेते हैं और इनके पावर ऐड कर लेते हैं, तो वन प्लस वन क्या होगा, स्क्वायर ही होगा ना, तो इसका करेक्ट फॉर्म है ए स्क्वायर ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या तो इस वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सलामत रहे, जय हिंद, धन्यवाद।